चुनाव का संक्रांत हो चुका है और इसी क्रम में आज हम आए हैं बांस गांव लोकसभा क्षेत्र में। और देखिए मेरे पीछे एक ऐतिहासिक मंदिर दिख रहा होगा, और जब भी बांस गांव संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे ना तो इस मंदिर की कहानी अलग आपको दिखेगी। सबसे पहले थोड़ी इस मंदिर के बारे में बता देना चाहते हैं। ये मंदिर वो ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ हर साल नवरात्र के दिनों में क्षत्रिय वंश के लोग आके अपना रक्त दान करते हैं। बगल में एक वीडियो भी दिख रहा होगा, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नवरात्र के दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों में मात्र 5 साल का बच्चा हो या बड़े उम्र का बच्चा, क्षत्रिय वंश का हर एक बच्चा यहाँ पे आके रक्तदान करता है। रक्तदान दान नहीं, ऐसे छुरा मारा जाता है और उससे खून निकाला जाता है और यहाँ की एक मिट्टी लगाई जाती है जिसके बाद ये सब चीज़ होती है। आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, वजह है 24 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव में बांस गांव की जब भी बात की जाए ना तो बांस गांव संसदीय क्षेत्र की बात, तो यहाँ के इतिहास से हम पहले आपको वाकिफ करना चाहते हैं, फिर जनता से हम रूबरू आपको कराएंगे। साथ ही एक और भी चीज़ है कि यहीं से थोड़ी दूर बाद मालहन पार रोड पड़ेगा, यानी बांस गांव में ही मालहन पार रोड पड़ेगा जहाँ पर 1996 में एक हादसा हुआ था। यहाँ पर जो आज के मौजूदा सांसद हैं, यानी लगातार 3 बार से बांस गांव संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत रहे, चौथी बार बीजेपी ने मौका दिया है, पहली लिस्ट में उनका नाम है, यानी कमलेश पासवान जो बांस गांव संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पिता के साथ कुछ ऐसा हुआ था। दरअसल थोड़ी दूर पे मालहन पार रोड है जहाँ पे उस समय ट्रॉली जो होती थी उसे एक साथ लगाया गया और तकरीबन 3 लाख की भीड़ वहाँ पे जुटी थी। चुनाव का मौसम चल रहा था और अचानक उस रैली में बम फूटता है और मृत्यु हो जाती है। तो ये बांस गांव की वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ पे राजनीति की अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। लगातार कमलेश पासवान जीत रहे हैं। अब हम चलते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जनता क्या कहती है और क्या फिर से कमलेश पासवान बीजेपी के दम पर एक बार फिर चौका लगाएंगे या इस बार पार्टी कुछ अलग करेगी। हालांकि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, सपा और कांग्रेस का गठजोड़ चल रहा है जिसकी वजह से सपा और कांग्रेस भी इस सीट पे अभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। लेकिन जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं गर्माहट बढ़ गई है और इसी गर्माहट के बीच पार्टियां अपना दमखम दिखाने बांस गांव में पहुंच रही हैं। आप अब चलते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जनता से बात करते हैं। तो पहले हमने स्थान ये चुना, माता का मंदिर, और इसके बाद जनता से रूबरू होंगे, देखेंगे कि बांस गांव की जनता क्या कहती है, क्योंकि हम बांस गांव संसदीय सीट से जनता की बात कर रहे हैं। तो चुनावी दस्तक चलती है। इस वक्त मैं बांस गांव के संसदीय क्षेत्र में हूं और आज बांस गांव से 24 चौराहों से 24 की रिपोर्ट का ये मुख्य भाग है, ये स्पेशल कवरेज आज हम कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं बांस गांव संसदीय क्षेत्र में ये जानने कि वाकई में इस संसदीय क्षेत्र में क्या कमलेश पासवान फिर से चौका लगाएंगे या इस बार कुछ अलग होगा, क्योंकि इस वक्त हम जनता के बीच जा रहे हैं जनता से पूछने कि किस तरीके से चुनाव में वो अपने पसंदीदा को वोट करेगी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने डेट फाइनल कर ली है, अभी 3 बजे इसकी घोषणा होने वाली है और इसी बीच हम बांस गांव संसदीय क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या हो के बावजूद यहीं पे तहसील पड़ता है और तहसील पे एक मंदिर भी है। यहाँ पे आपको बिमलेश पासवान जी जो यहाँ के विधायक हैं उनकी तस्वीर भी देखेगी। साथ ही ये कमलेश पासवान का वो क्षेत्र है जहाँ पे लगातार 3 सालों से या 3 संसदीय क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। साथ ही लगातार यहाँ पे कमलेश पासवान सांसद के रूप में आते रहे हैं। आज हम जनता से बात करेंगे, जनता क्या सोचती है, चुनाव पे क्या कहती है और क्या फिर से ये गढ़ जो है जिसे बताया जाता है कि ये गोरखपुर का वो गढ़ है जहाँ बीजेपी हमेशा से जीतती है, क्या इस बार भी कमलेश पासवान चौका लगा पाएंगे, ये जानने वाली बात रहेगी। आप वीडियो में बने रहिएगा, लोगों से बात करेंगे, लोगों से 24 चौराहों से 24 की रिपोर्ट का ये विशेष भाग आप जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए लोगों से बात करते हैं। ठीक, तो चलिए भैया हम आ गए हैं आज बांस गांव क्षेत्र में। सर क्या नाम है, सबसे पहले आपसे पहले बात कर लेते हैं। नाम सुशील कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? भैरवपुर के। भैरवपुर के। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है, बांस गांव से लगातार कमलेश पासवान जीतते रहे हैं, कैसा काम रहा उनका? काम तो बहुत
अच्छा भी रहा खराब भी रहा, लेकिन मोदी जोगी के नाम पे लोग जीत जाते हैं। अच्छा, मोदी जोगी के नाम पे जीत जाते हैं, इस बार भी जीतेंगे या क्या होगा? ज्यादा आशा तो यही है। अच्छा, विपक्ष कमजोर है यहाँ पे, क्या कारण है कि यहाँ से बीजेपी ही जीतती है? विपक्ष जो है सही कैंडिडेट नहीं देते हैं, अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है, और अच्छा प्रत्याशी न रहने नाते इनको जो है सफलता मिल जाती है, इसीलिए जो है बार बार यही जीतते हैं। और मोदी योगी का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव रहता है। अच्छा, एक तरफ कहा गया कि योगी का क्षेत्र है गोरखपुर, और इसी वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है? हाँ सही है, सही है, संदेह नहीं है। अच्छा, यानी अगर बीजेपी दूसरे किसी पे भी मोहर लगाए तो वो जीतेगा? हाँ, योगी के नाम पर लोग देते हैं, कुछ लोग मतलब गाली तो नहीं देते हैं, लेकिन एक नाराज होकर देते हैं, नाराज होकर भी देते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे चुनाव में चलती रहती है। क्या नाम है सर? सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत गोरखपुर दस्तक पे। आज मेरा सवाल है, चुनाव का क्या चल रहा है, माहौल बन गया है क्योंकि आज घोषणा होने वाली है, कैसा माहौल है यहाँ पे? यहाँ माहौल तो अच्छा है अभी। चुनाव को लेकर बातचीत होती है दोस्तों में कि क्या किसे वोट देंगे, क्या चीजें चलेंगी? सांसद जी का काम कैसा है? ठीक है, ठीक है, असल से बोल रहे हैं या वैसे ही बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमें पूछना था सर, जिस तरीके से सांसद जी काम कर रहे हैं, फिर से चौका लगा पाएंगे क्योंकि लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं? तो मोदी का कमाल है, मोदी का कमाल है। यानी सांसद जी ने काम किया हो या ना किया हो, जनता मोदी जी को देख रही है। अच्छा, सर क्या नाम है?